हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में टॉयज़ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम जो स्किलमैटिक्स का गेम है उसको अनबॉक्स करेंगे और रिव्यू करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो, ये राइट एंड वाइप एक्टिविटी मैट्स है और ये जो है इसमें है अलग अलग 75+ एनिमल के शीट्स वगैरह है और साथ में स्केलेबिली पेन वगैरह यहाँ पर उन्होंने कुछ दिया हुआ है जो प्लास्टिक कोटेड शीट्स है। आइए बैक साइड पर देखते हैं क्या है। तो इन्होंने फीचर्स जो है वो डिस्क्राइब किया है, 15 एक्टिविटीज़ है, 6 मैट्स है, 2 पेन्स आपको दिए गए हैं, इसके अलावा आपको इरेज करने के लिए जो है वो है और कुछ फीचर्स है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो आप देख सकते हो ये मैचिंग का पैटर्न है, एक शीट दिया है, तो इसको हम अनबॉक्स करके देखते हैं एग्जैक्टली ये है क्या। तो अनबॉक्स करते हैं, काफ़ी अच्छा गेम है ये बाय द वे। और इसमें जो कार्ड्स है, जो कोटेड कार्ड्स है, वाटर प्रूफ है और अनटेरेबल शीट्स है बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छा है वो। तो ओपन करके देखते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया और इसके अंदर सबसे पहला जो है वो एक तो सर्टिफिकेट का इन्होंने दिया हुआ है और दूसरे में कुछ मेंशन किया है उनका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो। तो इसमें आप लिख के वाइप कर सकते हो इजीली, कुछ भी लिख सकते हो आप, आपका नाम वगैरह बचा जब ये पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो आप इसको इरेज भी कर सकते हो लिखने के बाद। क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है ये और ये पेरेंट के लिए कुछ लाइक यहाँ पे इन्होंने मैसेज दिया है वो शीट में। इसके अलावा जो मेन है इसके अंदर का ये वो प्लास्टिक कोटेड शीट्स है जो कि अनटेरेबल है और वाटरप्रूफ है। तो हर कार्ड्स में इन्होंने कुछ ना कुछ डिफाइन किया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये जो शीट है इसमें कुछ एनिमल्स वगैरह प्रिंट किया हुआ है और इसमें लिखा है सर्कल द एनिमल दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेट, मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स है और बर्ड्स है। तो इनमें जो जो अलग अलग इन्होंने सेट बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हो मरीन एनिमल्स में इन्होंने शीप डाला है, वाइल्ड एनिमल्स में इन्होंने जो है कैट डाला है, तो आपको वो सर्कल करना, लाइक बच्चा वो आइडेंटिफाई करेगा। और बर्ड्स में इन्होंने एक कुआला लंपुर जैसा कुछ तो भी डाला है और ये कार्निवोरस एनिमल में इन्होंने काऊ डाल दिया, ये हर्बीवोरस एनिमल है। तो उसी तरीके से बच्चे को जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि, और जो भी है बाद में बच्चा इरेज भी कर सकता है उसको स्पॉट करने के बाद। तो काफ़ी अच्छा है ये। दूसरा शीट देखते हैं। तो इसमें कैसा बैक टू बैक प्रिंट भी है। तो ये नेक्स्ट शीट इन्होंने दिया है, कुछ यहाँ पे मैच वगैरह करना है, तो मैचिंग ऑफ द एनिमल्स जैसे उनके कब्स कौन है वगैरह। तो ये जो है अदर हाफ उसका कंप्लीट करना है इसमें, तो प्रॉपरली उसको बनाना है, स्केच करना है, जो भी है बच्चा उसको इजीली कर सकता है। और ये अच्छा है कुछ मैचिंग रिलेटेड, मेक द एनिमल्स टू देयर बेबीज। तो यहाँ पे इनको लिंक करते जाना है, जैसे स्वान का क्या होता है, फिश का क्या है, तो उस तरीके से लिंक करना है उसे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बच्चों के लिए और 100% लर्निंग आइटम है ये, कुछ ना कुछ उन्हें सीखने ज़रूर मिलेगा। तो आप लिखने के बाद इसे इरेज भी कर सकते हैं, इजीली इरेजेबल है शीट। आइए नेक्स्ट शीट देखते हैं क्या है। तो बैक साइड पे कुछ ड्रॉ करना है यहाँ पे और इसमें सर्च एंड फाइंड का टास्क दिया हुआ है। तो जो चीज़ आपको बॉटम पे डिस्प्ले की जा रही है वो चीज़ को बच्चे को क्या करना है, स्पॉट करना है। तो जो भी आइटम्स हैं उन्हें प्रॉपरली केयरफुली ऑब्जर्व करना है और उसके बाद क्या करना है, उन्हें सर्कल करना है यानी स्पॉट कर लेना है। उसके बाद एनिमल गेम्स का एक शीट दिया है जहाँ पे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, विच ऑफ द एनिमल्स डू नॉट गेट इन आर्कटिक, यानी कि जो भी ये ओशन साइड पे नहीं अवेलेबल है, जैसे कि कैमल जो है डेजर्ट पे होता है, तो वो सारी चीज़ें को स्पॉट करना है यानी सर्कल कर लेना है। और ये अनटेरेबल शीट्स है और आप इसका क्वालिटी देख सकते हो, एकदम थिक है मटेरियल, नंबर वन मटेरियल है और काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म है, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा है इसका। तो इसके बैक साइड पे करेक्टली पाथ उसको ट्रेस करना है, लाइक हॉर्स जो है स्टेबल में रहता है, बेयर जो है केव में रहता है,
लेपर्ड जो है वो ट्री में रहता है, तो उस तरीके से क्या करना है, बच्चे को लिंक करना है बेसिकली। नेक्स्ट शीट जो है इसमें हमें ट्रेस करना है, ट्रेस करके कंप्लीट करना है, जो हाफ फिगर है उसे इस पेन को यूज़ करके फुल्ली कंप्लीट करना है। ये वाला काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। इसमें करना क्या है, एनिमल एंड देयर फूड्स, यानी पांडा जो है तो उसका क्या लाइक जो है ईटिंग सब्जेक्ट है, तो वो चीज़ क्या करना है, ट्रेस करना है लिंक करके। रैबिट का क्या है, कैरेट है, तो उसे लिंक करना है प्रॉपरली, उसके जो भी ईटिंग सब्जेक्ट्स है उसे प्रॉपरली ट्रेस करना है। और एलिफेंट है तो उसका क्या है, ग्रास है, जैसे राइना जो है, जो भी है, मतलब प्रॉपरली वो एक्चुअली कनेक्टेड पाथ ही है, बट प्रॉपरली उसे ट्रेस करना है। ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। लाइक यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो बर्ड्स वगैरह है, जो इंसेक्ट है, उनके लेग्स ड्रॉ करने हैं आपको और नंबर मेंशन करना है। तो मैं ओपन करके ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। तो फ्लेमिंगो के जैसे दो लेग्स होते हैं, तो मैंने दो लेग इसके बना दिए और साथ में नंबर मेंशन कर दिया। स्पाइडर के जैसे होते हैं एट लेग्स, तो ये 1 2 3 4 ऑन द वन साइड और नेक्स्ट साइड पे 4 लेग्स, तो ये टोटल हो गए 8 लेग्स। तो उसी तरीके से ड्रॉ करना है और नंबर मेंशन करना है। नेक्स्ट जो है ट्रेसिंग का है, ये भी अच्छा है, नंबर वाइज ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स हमने पूरा कवर कर लिया। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय।